एक से एक संदेश तो गया है, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। प्रधानमंत्री जी ने आज ये कानून वापस लिया, हालांकि इस कानून में कोई गड़बड़ नहीं है, बिहार में आज भी ये कानून लागू है, बिहार तरक्की कर रहा है, देश के 130 करोड़ लोगों की जीत है। देखिए, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा, ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्यवाही में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है, पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। देखिए, किसी भी सरकार का यही प्रयास होता है कि उसके किए गए कार्यों से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास साथ में चले। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी के कुछ किसान संगठन इसका विरोध कर रहे थे, उस विरोध के प्रतिस्वरूप 650 किसान की जान जा चुकी थी आंदोलन के चक्कर में, भले भी किसी गलतफहमी के कारण या जो भी हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए और संवेदना दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने आज ये कानून वापस लिया, हालांकि इस कानून में कोई गड़बड़ नहीं है, बिहार में आज भी ये कानून लागू है, बिहार तरक्की कर रहा है। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखने वाले उच्चतम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कानून वापस लिया है, अपने निर्णय को पलटा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद लगता है कि ये जीरो एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत, जीरो बजट एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत किसान आगे जाएगा। लेकिन आज भी मैं बता दूं कि इस देश में रिफॉर्म के साथ परफॉर्म करने वालों से बहुत लोगों को दिक्कत है, और इस बहरूपिये को मिटाने का एक बार यदि नाग को आपने छेड़ा है तो उसे छोड़िएगा नहीं, नागिन को छेड़ने के बाद नाग दस्त आई है। यह वही नाग और नागिन वाली कथा है, इसलिए अब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये देश के 130 करोड़ लोगों की जीत है। मजबूत संकल्प के साथ हम किसानों ने जो सपने देखे थे हम आगे बढ़े हैं, ये अधूरी जीत है, हमें और भी कुछ करना है।